जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि जिस व्यक्ति के अंदर यह लक्षण दिखाई दे उस पर सदैव हनुमान जी की मेहरबानी रहती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर पाता है और अपने जीवन में उसे हर सुख प्राप्त होता है जिसकी वह अपने जीवन में कल्पना उसने की है। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के ऐसे साक्षात देवता है जो पर निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा महादेव स्वयं और भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया था कि इस कलयुग के अंत तक आप इस धरती पर रहेंगे, सारे देवताओं के स्वर्ग जाने के प्रमाण मिलते हैं और देवलोक में निवास करने के परिणाम मिलते हैं और साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन हनुमान जी के ऐसे देवता है जिनके स्वर्ग वापस जाने के प्रमाण नहीं मिलते, वह धरती पर रहकर ही अपने जो भक्त हैं उनकी सेवा करते हैं। दोस्तों, ऐसा स्वयं भगवान विष्णु ने भी कहा कि जब तक मेरा कल्कि अवतार, इस कलयुग का कल्कि अवतार नहीं होगा, तब तक आप अपने भक्तों की और इस धरती वासियों की सेवा इस धरती पर रहकर आप करेंगे, ऐसा हनुमान जी को आश्वासन दिया। और दोस्तों, हनुमान जी ने साक्षात कई भक्तों को प्रमाण दिया है और साथ ही साथ दर्शन दिया है, और जो भक्त हनुमान जी की कृपा चाहता है उसके घर में सदैव दोस्तों कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, ऐसा है कि जो व्यक्ति ज्यादा निराश रहता है और हनुमान जी और श्री भगवान श्री राम की पूजा पाठ नहीं करता है, उस व्यक्ति का तो दोस्तों कहना ही क्या, उस घर में कभी भी हनुमान जी निवास नहीं करते हैं, उस घर में दोस्तों ऐसा नहीं देखने को मिलता। और इसी के साथ ही दोस्तों, जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके घर में हनुमान जी का वास होता है, और जहां हनुमान जी का वास होता है उस घर में नकारात्मक शक्तियां दूर तक नहीं रहती है, उस घर से कोसों दूर चली जाती है। इसलिए हनुमान जी की जो व्यक्ति सेवा करता है उसके जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो स्त्रियों का अपमान करता है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, साथ ही साथ पशुओं की हत्या, पशु बलि करता है, या फिर अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, उस घर में दोस्तों हनुमान जी का वास नहीं होता है। उसके लिए हमने आपको एक वीडियो भी बनाकर दिया है, आप देख सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हनुमान जी सदैव नाराज रहते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया है कि कुछ ऐसे नियम होंगे जो अगर कोई व्यक्ति पालन करेगा तो उसके जीवन में हनुमान जी सदैव आराम से प्रसन्न होने वाले देवता माने जाएंगे और उस घर में कभी भी दोस्तों दरिद्रता देखने को नहीं मिलेगी, उस घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अंत में आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हनुमान जी ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कभी कभार हनुमान बजरंग बाण या हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, उसके ऊपर दोस्तों सदैव हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं, हनुमान जी की कृपा बनी रहती है आपके साथ, हनुमान जी सदैव निवास करते हैं, आपको कभी भी किसी भी कष्ट में नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नित्य जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। दोस्तों, दूसरे ऐसे व्यक्ति है जो सदैव एक आंख से दुनिया ना देखें, दोनों आंखों से देखें, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि केवल अपना ही भला नहीं देखें, दूसरों का जो व्यक्ति भला देखता है, दूसरों का भी कार्य करता है, उसके ऊपर सदैव हनुमान जी की कृपा देखने को मिलती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में सब सुख प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, तीसरा है लंबे और घने केस वाली ऐसी महिलाएं जो अपने परिवार का अच्छा सोचे ही सोचे, साथ ही कभी किसी का भी घमंड, अर्थात कि किसी को भी टूटने नहीं दे, घमंड के अंदर जो महिला नहीं जीती है उसके ऊपर सदैव हनुमान जी की कृपा रहती है, अर्थात कि पर सुख को अपना और पर दुख को अपना जो महिला समझ लेती है उसके जीवन में हनुमान जी की कृपा रहती है। दोस्तों, इसी तरह ऐसे व्यक्ति जो सदैव आत्मविश्वास में जीते हैं, साथ ही साथ चाहे उनके ऊपर बुरी परिस्थिति क्यों ना हो या चाहे कैसा भी हो, लेकिन वह व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहते हैं, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, वह सदैव अपने जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज में उनका नाम सम्मान हो और साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा से उनके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता है। आत्मविश्वास से भरे व्यक्तियों के साथ हनुमान जी स्वयं रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी ऐसे देवता थे जो आत्मविश्वास से स्वयं भरे रहते थे और अपने जीवन में हर क्षेत्र में उन्होंने हर कार्य करके दिखाया है, और साथ ही साथ भक्तों
के जीवन में भी वह उसी प्रकार कार्य करते हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो सदैव पर हित में लगे रहे, दूसरों के लिए अच्छा सोचे, दूसरों के लिए बुरा सोचने वाले व्यक्ति को भी टोके, तो ऐसे व्यक्ति सदैव हनुमान जी के कृपा पात्र रहते हैं। दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाले व्यक्तियों के विषय में हनुमान जी बहुत ही अच्छी कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों ऐसी स्त्रियां जो मंगलवार के दिन उपवास रखें और साथ ही साथ हनुमान जी की सेवा करें और साथ ही साथ अपने घर परिवार में कभी भी विघ्न नहीं डालें और अपने घर परिवार को एक सकारात्मक दृष्टि की तरह लेकर चले और अपने पति की सेवा करें और साथ ही पति अपने पति की सेवा करें, उस घर में दोस्तों अपने आप ही शांति रहती है, देवी देवताओं का वास रहता है और उस घर में सदैव हनुमान जी की कृपा देखने को मिलती है। उस घर में दोस्तों कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है। दोस्तों इसी के साथ ही ऐसे व्यक्ति जो नित्य हनुमान जी के साथ ही जो भगवान श्री राम की सेवा करे, हनुमान जी की आप सेवा न करें तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु श्री राम की अगर आप सेवा करते हैं और राम नाम का नित्य जाप करते हैं, उसके ऊपर हनुमान जी सदैव मेहरबान रहते हैं। हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की कर पाता है। और दोस्तों इसी तरह दान दक्षिणा देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, उन व्यक्तियों के ऊपर से हनुमान जी कभी भी रुष्ट नहीं होते। इसलिए आपको दान दक्षिणा सदैव देनी चाहिए ताकि हनुमान जी की कृपा आपको मिलती रहे। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा अनोखा उपाय बताएंगे जिसको अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी सदैव खुश रहते हैं और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। धन उपाय है तो यह उपाय किया जाएगा, तो दोस्तों जानते हैं उपाय। दोस्तों किसी भी मंगलवार के दिन जो भक्त धन की समस्या से ग्रस्त है और वह चाहता है कि अपने जीवन में धन उसके जीवन में बना रहे, तो आपको केवल और केवल यह उपाय करना चाहिए, आपका कार्य हो जाएगा। दोस्तों हनुमान जी को लौंग का प्रसाद बहुत ज्यादा प्रिय है और जो व्यक्त हनुमान जी को लौंग का प्रसाद चढ़ाता है उसके जीवन में सदैव हर सुख रहते हैं। और दोस्तों एक कहावत है बीड़ा उठाना, अर्थात कि हनुमान जी ने अपने जीवन में जो भी बीड़ा उठाया है उसको हनुमान जी ने पूरा किया है। इसलिए दोस्तों जो मीठा पान चढ़ाया जाता है उसे बीड़ा कहा जाता है। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार विशेष के दिन बिना जर्दे बिना कत्थे का आपको एक पान बनाना है जिसके अंदर आपको केवल और केवल दो लौंग हनुमान जी के निमित्त उसमें डाल देने हैं, या जो पान बनाता है उसको आपको हनुमान जी के निमित्त पान चढ़ाने के लिए बोलना है तो वह अपने आप ही उसके अंदर लौंग डालकर आपको वह मीठा पान देता है। अब आपको क्या करना है कि हनुमान आपके निकट कोई भी हनुमान मंदिर है तो वहां पर आपको चले जाना है और आपको क्या करना है कि मंगलवार विशेष के दिन आपको हनुमान चालीसा का वह पान को अपने हाथों में रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और दोस्तों पाठ करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है कि हनुमान जी को कहना है कि हनुमान जी हम वह बीड़ा आपको दे रहे हैं, हमारे मेरे काम का जो भी बीड़ा है वह अब आपको उठाना है। ऐसा करके आपको वह पान हनुमान जी को अर्पित कर देना है। दोस्तों यह जरूर ध्यान रखें कि जो प्रसाद के अंदर आपने पान चढ़ाया है मीठा पान, आपको उसे वापस नहीं लेना है, खंडित आपको नहीं करना है। जिस प्रकार आप लेकर आते हैं उसी प्रकार आपको हनुमान मंदिर में वह पान रख देना है, ताकि दोस्तों हनुमान जी एक दिन तो निश्चित रूप से आपका वह बीड़ा जरूर उठाएंगे और आपका जो कार्य है उसे हनुमान जी जरूर पूरा करते हैं। दोस्तों साक्षात हमने भी इस प्रमाण को देखा है और वास्तव में जो हनुमान जी का ये उपाय करता है उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता है। और दोस्तों विशेष तौर से आपको इस एक चौपाई का तो जाप जरूर करना चाहिए। चौपाई है दोस्तों अष्ट श्री नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इस चौपाई का दोस्तों जो कोई भक्त जाप करता है उसके जीवन में धन की यश सम्मान मान की कमी नहीं रहती, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी ऐसे देवता है जो अष्ट सिद्धि और नव निधियां देते हैं, और जिसके जीवन में अष्ट सिद्धि और नव निधियां आ जाती है उसके जीवन में दोस्तों कमी रहती भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसे साक्षात देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो भक्त हनुमान जी का भक्त है कमेंट में जय बजरंगबली
जी जय श्री राम के साथ में अपना नाम जरूर लिखें ताकि बजरंग बली के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि हनुमान जी के निमित्त यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती रहे। तो दोस्तों जय बजरंग बली। दोस्तों आपको बताना है कि आपको उपायों के द्वारा कितना फायदा मिलता है और साथ ही साथ आप कौन सा उपाय अपने जीवन में चाहते हैं, तो वह भी हमें लिखकर बताएं ताकि आपको उस उपाय का समाधान करवाया जाएगा और आपका जो भी उपाय है वह हम आपको जरूर बताया जाएगा। तो आपको कमेंट जरूर करना है। जय बजरंग बली।